इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 और 10 दोनों सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 a प्लस कोट ए, ये प्रूव करना है। इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी इसमें आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पे कॉसेक की जगह चेंज कर सकते हैं आप, 1/sin a लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने 1/sin a लिखा, माइनस यहाँ पे साइन ए ऑलरेडी है। इसमें भी ये करेंगे, कॉस सेक की जगह 1/cos a लिख सकते हैं आप, और माइनस कॉस ए यहाँ पे है ऑलरेडी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन से साइन ए कटेगा तो ऊपर आ जाएगा ओनली 1, माइनस यहाँ पे 1 में साइन से 1 का डिवाइड करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन साइन से साइन ए से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए कॉस ए कट जाएगा, 1 आप ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए आएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 - sin² a की जगह लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी 1 - cos² a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए से कट जाएगा ये 1 टाइम, और यहाँ पर भी इसके पावर 2 है साइन ए है, या तो एक ये साइन कट जाएगा, यहाँ पे साइन ए रह जाएगा। तो काटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये इसकी पावर 1 कटेगी तो यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ पर ये इसे कटेगा तो ये पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पर भी इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो ये कॉस ए हो गया, यहाँ पे साइन ए से कटने के बाद ये साइन ए हो जाएगा। इधर हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS में देखिए, यहाँ पर भी हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे इसको, क्योंकि हमने जब LHS को सॉल्व किया तो साइन और साइन ए कॉस ए में आ रहा है, तो हम यहाँ पे टेन ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको नीचे एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे साइन ए कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए आएगा, साइन साइन ए साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी साइन ए से साइन ए कटेगा, कॉस ए आएगा, कॉस ए कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब ये इसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि अभी डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाला जो है इसमें उल्टा हो जाएगा, ये 1/ यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस ए। अब ये देखिए आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको साइन ए कॉस ए अपॉन 1, और इसको अगर आगे लिखें तो इसको 1 को नहीं लिखना है आपको, साइन ए कॉस ए। देखिए दोनों इक्वल हो गए, साइन ए कॉस ए, इसको भी अगर इसकी तरह लिखा जाए तो ये साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में ही है, तो दोनों LHS और RHS दोनों सेम आ रहे हैं, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इसका देखिए 10th पार्ट क्या है, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इज इक्वल टू 1 - tan a, 1 / cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10² a, यानी कि इसमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम दोनों को इक्वल 10² a आना चाहिए। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, LHS लेके चलते हैं हम, इसे लिखेंगे 1 + tan² a अपॉन में 1 + cot² a। 1 + tan² a एक आइडेंटिटी है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, और 1 + cot² a होता है cosec स्क्वायर a, यहाँ आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी है 1 + tan² a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a, और 1 + cot² a होता है cosec² a।
अब देखिए इसको चेंज करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन, और इसको लिखेंगे सही से तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन स्क्वायर ए हो गया, ये टेन स्क्वायर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम इसका आरएचएस सॉल्व करते हैं, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, वन माइनस टेन की जगह लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ वन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का एलसीएम आएगा कॉस ए, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस वन से मल्टीप्लाई होकर कॉस ए हो जाएगा, ये स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ये सेवन से डिवाइड होगा साइन ए आएगा, साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे साइन से साइन कटेगा वन आ जाएगा, वन कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस ए हो जाएगा। और पूरे पे एक साथ स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, स्टार्टिंग में बता रखा है आपको कि इसमें होल स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड में इसके, तो इसको डिवाइड में चेंज कर मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए पे स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर चारों पे लगेगा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये ऊपर जाके साइन ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब देखिए इसमें कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए जा, तो इसमें माइनस का डिफरेंस हो तो यहाँ माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ माइनस वन कॉमन लेते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट इसे कट जाएगा, और माइनस वन का स्क्वायर यहाँ वन ही होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन ए होता है कॉस वो सॉरी टेन, तो टेन स्क्वायर ए हो गया। यही प्रूफ करना था हमें, एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करने पर एन स्क्वायर ए आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।